तो आपका बाइसेप मसल ऐसे ही है जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होता है ना, आप छोटे बच्चे से बहुत ज्यादा काम नहीं कराते लेकिन काम कराते भी हैं, उसको एक्टिव रखते हैं ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो जाए, लेकिन उसको पूरे घर के काम के बोझ में आप दबा नहीं देते। अगर आप बहुत ज्यादा काम कराएं छोटे बच्चे से तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। सेम आपके बाइसेप और ट्राइसेप मसल पे भी लागू होता है। बाइसेप को कम वॉल्यूम ट्रेनिंग में ट्रेन करना आपने, जो बिगिनर्स है वो 4 एक्सरसाइज करें, अच्छी टफ ट्रेनिंग करें अपनी तरफ से काफी है, क्योंकि आपका इंटेंसिटी लेवल उतना हाई नहीं होता अभी भी, तो आप 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस एथलीट है वो 3 एक्सरसाइज भी करेंगे तो काफी है, लेकिन उसको अच्छे से करें, इंटेंस ट्रेनिंग करें, टफ करें अपने 3 एक्सरसाइज को, और 3 या 4 सेट काफी होते हैं। तो बाइसेप को स्मार्टली ट्रेन करना आपने, वॉल्यूम ट्रेनिंग यहाँ मैटर नहीं करी। ज्यादा वॉल्यूम करने के लिए आपके पास और बॉडी पार्ट है ना, लेग्स है, बैक है, चेस्ट है, शोल्डर्स है, इन पे ज्यादा वॉल्यूम करो आप, ये डिमांडिंग पार्ट है। बाइसेप को अपने छोटे बच्चे की तरह पालना है, काम लेना है लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम वर्क नहीं करना है। मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस है वो तो यही बोलता है, बाकी आप अपना व्यू पॉइंट दे, अपना कमेंट डालें। और हाँ, आप ये छोटे मसल को ट्रेनिंग करते हो आप वार्म अप पे ध्यान नहीं देते, ऐसे ही लग जाते हो बस, ये चलो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। आप कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन करें, वार्म अप आपने प्रॉपर करना ही है, उससे आपका मसल रेडी हो जाता है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है उस ट्रेनिंग को करने के लिए, आप जल्दी आपका मसल पंप होता है, आप जल्दी अपने वर्किंग सेट तक पहुंच जाते हैं। तो वार्म अप और कूल डाउन सभी पार्ट्स में जरूरी है, चाहे आप छोटा पार्ट करें या बड़ा पार्ट करें, ये उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा आपके लिए। थैंक यू।